हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल पावर नॉलेज पे। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस का जो पूरा कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर किया है। सो गाइस, आज जो हम उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड बोर्ड एंड स्ट्रीम। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम। और सबसे पहले बोर्ड एंड स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और एग्जाम्पल्स इसमें एक दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट जो इसमें है दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। सो दिस इज द फर्स्ट मेन पॉइंट। सो गाइस, आपने यूजुअली क्वेश्चन जो देखे होंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम में, सो आपने देखा होगा कि वहां पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम लिखा होगा क्वेश्चन में। तो पहले हम यही चीजें डिस्कस करेंगे, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोर्ड इन स्टील ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक वॉच करना, ताकि जो पूरा कंसेप्ट है, जो पूरा आइडिया है, जो भी इसमें चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाए, सो दैट प्रॉब्लम में जब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट हम देखेंगे क्या होता है डाउनस्ट्रीम। सो गाइस, मान लीजिए अगर हमारे पास, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, मान लीजिए अगर हमारे पास वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि वाटर की जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ वाटर जो है, द डायरेक्शन इज दिस, यानी कि ये है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इसको हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, सो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर? अभी या तो कोई स्विमर इसमें है, ठीक है, या जो पानी में है, या कोई बोट इसमें है। ठीक है, बोट की एग्जाम्पल हम लेंगे, एक बोट इसमें है, और जब हम बोट को चला रहे हैं तो बोट इसी डायरेक्शन में अगर चलेगा, यानी कि डाउनस्ट्रीम हम तभी कह सकते हैं जब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि फ्लो, जो वाटर की फ्लो है, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, वाटर भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और आपका बोट भी है, या आप स्विमर हो तो आप भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम को लिख सकते हैं सेम डायरेक्शन, ये पॉइंट आप नोट करके रखेंगे, सेम डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। सो इस टाइम क्या होता है, उनकी जो स्पीड होती है, यानी कि जो बोट की स्पीड होगी और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, वो दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगी सिंपली। क्लियर गाइस? इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड जो होगी दैट विल बी सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ बोट एंड वाटर, बोट एंड स्ट्रीम। बस इतना सा आपको याद रखना है। सो डाउनस्ट्रीम क्या होता है गाइस, जब भी आप पानी में जा रहे हो, लेकिन आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहां से पानी का फ्लो है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं डाउनस्ट्रीम। और आपने फील किया होगा, ये एक्सपीरियंस आपको होगा कि जब भी आप पानी के साथ चल रहे, बहाव के साथ जब आप चलेंगे, तो आपकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आप थोड़ा सा फोर्स पे आपको बहुत ज्यादा स्पीड मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो भी आपको अपने साथ ले जा रहा है। क्लियर? तो दोनों की स्पीड जो है वो ऐड अप हो जाती है, तो दैट्स डाउनस्ट्रीम। अब हम बात करेंगे अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम में सेम, यहां पे एक ही चीज आपको डिफरेंस में देखना है, सिंपली सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे, अपस्ट्रीम जो है उसको हम सिंपली कह सकते हैं फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि फ्लो की स्पीड और आपके बोट की स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि अगर वाटर इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ वाटर है, यानी कि फ्लो स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, और आपकी जो बोट है उसको यहां से यहां चलना है, ठीक है गाइस, उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, लेकिन वाटर यहां से जा रहा है, तो दोनों की जो स्पीड्स हो जाएंगी, अगर ये चीज आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप वाटर के, यानी कि वाटर की फ्लो के अपोजिट जा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, तो लेकिन आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्लो है ये इसको अपने साथ ले जाना चाहता है, सो स्पीड जो है वो माइनस हो जाता है, यानी कि ये उसको, उसकी स्पीड को खत्म कर देता है, यानी कि स्पीड जो है दैट विल बी डिफरेंस ऑफ स्पीड्स ऑफ बोट एंड वाटर, बोट एंड स्ट्रीम। क्लियर? तो दोनों की जो स्पीड है उनका डिफरेंस हो जाएगा, तो आपको बहुत कम स्पीड मिलेगी, यानी कि अपस्ट्रीम में आप बहुत कम डिस्टेंस निकाल पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाती है, तो आप बहुत जल्दी पहुंचोगे डेस्टिनेशन पे। तो यह हो गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन सेटल वाटर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेटल वाटर क्या है। सेटल वाटर कहते हैं जैसे कभी किसी तालाब। सो गाइस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मान लीजिए स्टिल वाटर जो है एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पे, स्टिल वाटर का मतलब यह है कि जहां पे पानी जो है वो रुका हुआ है। तो मान लीजिए अगर हम कहीं पे जैसे कोई भी तालाब वगैरह होगा जहां पे पानी जो है वो एक ही जगह पे होगा, स्टिल वाटर, ठीक है, एक ही जगह पे, यानी वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो स्ट्रीम, तो उसको हम कहते हैं स्टिल वाटर। तो उसमें स्पीड ऑफ बोट क्या होगा वो हमें निकालना होता है। तो गाइस उसके लिए आपको कोई कंसेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूं जो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, जो स्पीड होती है वो होता है बराबर यहां पे स्पीड ऑफ बोट, दैट इज डी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू। बस ये छोटा सा छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। और ये क्या है, डी का मतलब है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, और यू का मतलब है अपस्ट्रीम, क्लियर, डिवाइडेड बाई टू, दोनों को पहले सम करना है, डिवाइड करना है टू, क्लियर। सो दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बस ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे पहले हमें क्वेश्चन में यूजुअली क्या होता है, हमें कभी कभार डी निकालना होता है, कभी कभार हमें अपस्ट्रीम निकालना होता है, या कभी कभार हमें डायरेक्टली स्पीड ऑफ बोट ही निकालना होता है, वो हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखेंगे वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जो फ्लो वाटर के फ्लो की जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या होती है, सेम डी यू डिवाइडेड बाई टू, लेकिन यहां पे बीच में आपको माइनस लगाना है बस। तो ये हो गए आपके पास दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने, ठीक है। और जो मैंने आपको आइडिया बोला, कंसेप्ट बोला डाउन स्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का, वो भी आप याद रखेंगे कि क्या मैंने वहां पे बोला, ठीक है गाइस। तो चलिए यही पूरा कंसेप्ट जो है ये हम यूज करेंगे आप क्वेश्चंस में, और देखेंगे कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, जो बाकी जो मैंने आपको कंसेप्ट बोला है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज इन सेटल वाटर इज 9 किलोमीटर, यानी कि स्विमर की जो स्पीड है, स्विमर इस स्पीड से जा रहा है पानी में, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्विमर, हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। मैंने आपको डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट बोला है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों की एड हो जाती है, स्विमर हो या बोट हो, और प्लस जो रिवर की स्पीड होगी यानी कि जो फ्लो की स्पीड होगी। When the river is flowing with a speed of 6 किलोमीटर, रिवर की स्पीड जो इनके फ्लो स्ट्रीम की स्पीड दी है और बंदे की भी स्पीड हमें दी गई है स्विमर की, अब हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो मैंने आपको अभी बोला डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वी, ये चलिए स्पीड ऐसे ही लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू दोनों की स्पीड एड करनी पड़ेगी, यानी कि स्विमर की स्पीड वो है 9 प्लस रिवर की स्पीड यानी कि फ्लो की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड दैट इज 6। तो 9 प्लस 6 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो गाइस अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी, पर एक सेकंड में नहीं, हाफ ही सेकंड में हो जाएंगे और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा, क्लियर। तो चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस वन मोर क्वेश्चन वी हैव, अ स्विमर स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्विमर, क्लियर। गाइस यहाँ पे आपको दो चीजें पहले नोट करनी पड़ेगी, एक तो ये कि सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में है या कोई मीटर पर सेकंड में तो नहीं है, वो चीजें आपको फिर ध्यान से देखनी पड़ेगी और आपको चेंज करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले ही बोला है, ठीक है, जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया। सो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में है तो कोई चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्लियर। सो यहाँ पे हमें आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे और किस चीज से हम इसको निकालेंगे। पहले दिया हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, स्विमर की डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो दी है, उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो भी दी है। मैंने अभी आपको बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है यहाँ पे आपको अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड करनी है। मैंने अभी आपको बोला कंसेप्ट में कि इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो होता है बराबर d माइनस यू बाई टू। अभी मैंने आपको बोला उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे गिवन है दैट इज 1.5 इक्वल टू डी, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो दी है दैट इज 11 माइनस यू हमें निकालना है क्योंकि हमें अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो हमें फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाई टू। बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यू विल गेट द आंसर। सो यू हम जब निकालेंगे सो यू विल बी इक्वल टू
ऐसे लिखेंगे 1.5 इंटू 2 दैट विल बी 3 इक्वल टू 11 माइनस यू. सो यू को हम यहां से शिफ्ट करेंगे हो जाएगा प्लस 11 आपकी जगह 3 यहां से जाएगा तो माइनस 3. सो 11 माइनस 3 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास जो अपसे ट्रिम की स्पीड निकल के आई दैट इज 8. तो ये है हमारे पास ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है 8 किलोमीटर पर आवर. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. सो गाइस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये चीजें फिर बहुत ईजी लगेंगे, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में. सो गाइस उसके बाद